में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको पाल शैली से संबंधित क्वेश्चन जो है का रिवीजन कराने जा रही हूँ। तो सभी से अनुरोध है कि जिसको भी जो भी क्वेश्चन है वो या तो इन्हें नोट करें या साथ साथ आंसर करते चले, तो आंसर की फॉर्म में, जिससे कि आपका जल्दी जल्दी से पॉइंट हो जाए और सारा कवर हो जाए। तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको करा रही हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पाल शैली जो थी किस सदी की है, यानी किसका समय क्या है, पाल शैली का समय क्या है। तो इसका आंसर सभी करेंगे, तो इसका समय है आपका 8वीं से 12वीं सदी। कौन सी सदी है? 8वीं से 12वीं सदी। दूसरा क्वेश्चन है, पाल शैली का स्वर्णकाल कौन सी सदी में था या कब था, पाल शैली का स्वर्णकाल बताइए। तो पाल शैली का स्वर्णकाल कौन सी शैली में था, कब था? तो पाल शैली का जो स्वर्णकाल है वो आपका है 10वीं सदी। कौन सी सदी है? 10वीं सदी। कौन सी सदी? 10वीं सदी है। अगला क्वेश्चन है, पाल शैली का निर्माण का प्रारंभ जो है किस शासक के समय में हुआ था, किस शासक के समय में हुआ था, किसका पाल शैली का प्रारंभ जो था वो किस शासक के समय में हुआ था। तो ये बताएंगे सभी, तो ये हुआ था आपका धर्मपाल के समय में। कब हुआ था? धर्मपाल के समय में। अगला क्वेश्चन है, धर्मपाल का शासनकाल कब से लेके कब तक था, यानी धर्मपाल जो ये राजा थे पाल वंश के, उसका उनका समय काल जो है कब से कब तक था। तो इनका समय काल जो था 770 से 1800 लिख दिया ये 815 तक था। कब तक था? 815 तक। कब तक था? 815 तक। अगला क्वेश्चन है, पाल वंश की स्थापना किसने की थी, यानी पाल वंश की जो स्थापना थी वो किसने की थी। तो पाल वंश की जो स्थापना थी वो गोपाल ने की थी। किसने की थी? गोपाल ने की थी। अगला क्वेश्चन है, पाल वंश के प्रमुख चित्रकार कौन थे, पाल वंश के प्रमुख चित्रकार कौन थे। तो पाल वंश के जो थे प्रमुख चित्रकार कौन थे, तो इसके चित्रकार थे धीमान, वित्तपाल, धीमान, वित्तपाल, जय, पराजय और विजय। ठीक है, ये किसके थे? पाल शैली के कलाकार थे या चित्रकार थे। अच्छा, इसमें एक अगला क्वेश्चन है कि इसके जो कवर पेज थे यानी काष्ठ फलक जो थे उनको सुरक्षित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था, यानी उस पर जो है किसका प्रयोग जो था किया जाता था इसको सुरक्षित करने के लिए। तो इसको सुरक्षित करने के लिए लाख का प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग किया जाता था? लाख का प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, पाल शैली में चेहरे किस तरह के बने हैं, पाल शैली में किस तरह के चेहरे बने हैं। तो सभी आंसर करेंगे, तो इसमें किस तरह के चेहरे बने हैं? सवाचश्म। किस तरह के बने हैं? सवाचश्म चेहरे बने हैं। अगला है, पाल शैली की जो थी सीमा रेखा किस रंग से बनाई गई है, यानी पाल रेखी शैली में जो है चित्र जो बने हैं उनकी सीमा रेखा जो है किस रंग से बनाई गई है। सीमा रेखा क्या पूछा मैंने? सीमा रेखा। तो इसकी जो सीमा रेखा जो बनाई गई है वो काले रंग से, कैसे रंग से? काले रंग से बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, पाल शैली में किन वृक्षों का अधिक चित्रण हुआ है, यानी पाल शैली के किन चित्रों का जो है अधिक चित्र, वो किन वृक्षों का अधिक चित्रण हुआ है, यानी कौन कौन से पेड़ जो है इसमें बहुतायत में बनाए गए हैं इस शैली में। तो सभी आंसर करेंगे,
तो इसमें कौन कौन से बनाए गए हैं, केले का, केला और नारियल, नारियल का जो है अधिक चित्रण किया गया, कौन कौन सा पेड़, केला और नारियल। अगला है पाल शैली की रेखाएं कैसी हैं, यानी रेखा, पाल शैली की रेखाएं जो हैं कैसी हैं, मुलायम हैं, कठोर हैं, कटी फटी हैं या किस तरह की हैं। तो सभी आंसर करें, तो पाल शैली की जो रेखाएं हैं वो कैसी हैं, कठोर हैं, कैसी हैं, कठोर। ठीक है, अगला है कांस्य ढलाई के लिए, कौन से कांस्य ढलाई के लिए, मूर्ति के लिए जो है वो कौन, किस चित्रकार को जाना जाता है, यानी कौन से चित्रकार हैं जिन्होंने कांस्य ढलाई का काम किया है। अभी मैंने चित्रकार के नाम बताए थे आपको, वित्तपाल, धीमान, जय विजय, पराजय, तो इन्हीं में से हैं, आंसर दीजिए। तो कौन है, धीमान और वित्तपाल, कौन है, धीमान और वित्तपाल। ठीक है, आगे चलते हैं, पाल शैली में कुल कितने जो ग्रंथ हैं उनका अंक चित्रण हुआ है, लगभग कितने ग्रंथों का इसमें चित्रण हुआ है। तो आपका आंसर है 30, 26, 28, 24, कितना है, 30, 26, 28, 24 आंसर करेंगे, तो कितने हैं, 24, कितने हैं, 24। अगला है कि इनके जो ग्रंथ है उनका आकार कैसा था, यानी उनका आकार जो था किस तरह का था, तो उनका आकार जो था ज्यादातर का कैसा था, आयताकार, कैसा था, आयताकार था, और कुछ का जो था कि किस तरह का था, किस तरह का आकार था, चकोर, वर्गाकार, यानी चकोर यानी वर्गाकार। चकोर के स्थान में किस तरह की लिपि लिखी है, चकोर स्थान में जो है किस तरह की लिपि लिखी है, कौन सी लिपि लिखी गई है, तो वो है आपकी देवनागरी, कौन सी लिपि है, देवनागरी। अगला है, और इसमें जो है लेख जो लिखे हैं, इन जो पोथी हैं, इनकी ग्रंथ हैं, इनमें जो लेख लिखे हैं वो किस भाषा में लिखे हैं, यानी कौन सी भाषा में लेख लिखे गए हैं। तो सभी आंसर करेंगे फटाफट कि लेख जो है किस भाषा में लिखे गए हैं, तो वो लिखे गए हैं पाली भाषा में, कौन सी भाषा में, पाली भाषा में। अगला क्वेश्चन है, महिपाल के समय में जो है किसका अधिक चित्रण हुआ है, किसका अधिक चित्रण हुआ है, किसके समय में, महिपाल के समय में, किसके, महिपाल के समय में, तो वो हुआ है पोथी का, किसका, पोथी का। या ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक पोथी किसके समय में निर्माण हुआ था, यानी सर्वाधिक पोथियों का निर्माण किसके समय में हुआ था, तो क्या आंसर होगा आपका, महीपाल, क्या होगा, महीपाल। अगला है, महीपाल का शासनकाल कब से कब तक था, यानी जो महीपाल राजा जो थे इनका शासनकाल कब से कब तक था, तो इनका जो शासनकाल था वो आपका कब से कब तक था, तो इनका शासनकाल था 1925 से लेकर 1043 तक, 1925 से लेके 1043 तक जो है इनका शासनकाल था। फिर है कि सर्वाधिक मूर्तियां जो हैं वो किसके समय में बनी है, और पोथियां भी, सर्वाधिक मूर्ति और पोथी दोनों जो है किस राजा के समय में बनी है, तो इसका आंसर होगा देवपाल, क्या होगा, देवपाल आपका, किसके समय में बनी है, देवपाल के समय में। अब अगला क्वेश्चन है, देवपाल का शासनकाल कब से कब तक था, यानी देवपाल जो ये राजा थे इनका जो शासनकाल कब से कब तक था, ये भी पूछा जा सकता है, तो इनका जो था 1818 से लेके 1858 तक, 1818 से 58 तक, और धर्मपाल का कब था 1770 से 1815 तक,
और देवपाल का जो था 1818 से या 1815 से 1858 तक, और महीपाल का जो था वो था 1925 से 1043 तक। और इसके सबसे प्रसिद्ध जो अंतिम जो है राजा जो थे, प्रतापी राजा जो थे, उनका क्या नाम था सभी बताएंगे, तो उनका नाम था रामपाल। क्या था? रामपाल। अगला है, इसकी जो पोथी है वो अधिकांश जो पोथी है किसकी, पाल शैली की, वो कहाँ संग्रहित है, यानी वो जो पोथियां बड़ी है वो कहाँ संग्रहित है। तो वो जो है आपकी रॉयल सोसाइटी, रॉयल सोसाइटी बंगाल में संग्रहित है। कहाँ पर संग्रहित है? रॉयल सोसाइटी बंगाल में संग्रहित है। अब जो है अगला क्वेश्चन है आपसे कि पाल भाषा के जो है प्रमुख जो है आपके ग्रंथ वो कौन कौन से थे, या प्रमुख पोथी कौन कौन सी थी, सभी का उनका जो है आपको नाम देना है, किसका, ये जो प्रमुख पोथियां हैं। तो आंसर करेंगे तो एक है प्रज्ञा पारमिता, पारमिता, प्रज्ञा पारमिता, ये काफी प्रसिद्ध है सबसे पहले। अब अगला क्वेश्चन है इसी से संबंधित कि प्रज्ञा पारमिता के लेखक कौन है, प्रज्ञा पारमिता के लेखक कौन है, तो है नागार्जुन। कौन है? नागा अर्जुन। फिर है अगला है कि प्रज्ञा पारमिता जो पोथी थी इसका जो है ग्रंथ किस पर लिखा हुआ था, ये किस पर बना हुआ था ये, तो ये था ताड़पत्र पर। किस पर था? ताड़पत्र पर। अब है अगला क्वेश्चन, दूसरी पोथी कौन सी है, तो बोधिचार्य व्रत है। कौन सी है? बोधिचार्य व्रत, बोधिचार्य व्रत है। अगली है इसकी पंचशिखा, क्या है तीसरे नंबर की है पंचशिखा, या इसको पंचरक्षा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंचरक्षा। क्या बोलते हैं? पंचरक्षा। अगली है इसकी जो है नंबर चार, वो है प्रसिद्ध गंध व्यू। कौन सी है? गंध व्यू। अगली है इसकी महामयूरी। कौन सी है पुरचना? महामयूरी। कौन सी है? महामयूरी। और महामयूरी जो है ये जो है वर्तमान में कहाँ संग्रहित है, तो ये है आपकी कहाँ पर संग्रहित है, कौन सी, महामयूरी। महामयूरी जो है ये कहाँ संग्रहित है वर्तमान में, तो ये है भारत कला भवन में संग्रहित है। अगला है, और इनकी जो कौन कौन सी रचनाएं हैं अभी मैं बता रही हूँ, पांच बता चुकी हूँ। नंबर छ कौन सी है? सघन माला। कौन सी है? सघन माला। नंबर सात है करण देव गुहा। कौन सी है? करण देव गुहा। तो ये है इसकी जो है क्या है प्रमुख पोथियां, किसकी, पाल की। ठीक है, अब जो है इसका, इसके साथ साथ और भी मैं कुछ क्वेश्चन आपको करा रही हूँ, तो लगातार क्लास में बने रहिए और सभी में जो है शेयर करते रहिए। इसमें जो है एक चित्र है बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन। कौन सा चित्र है? बुद्ध योग मुद्रा में
कमल पर आसीन, पर आसीन नहीं, कमल पर आसीन। ये जो चित्र है ये कब बना था, ये जो चित्र है ये कब बना था? तो ये जो था आपका बना था 1087 में। कब बना था? 1087 में। ठीक है, अगला है, इसका जो कलाकार था वित्तपाल, कौन सा था? वित्तपाल। वो कहाँ का निवासी था? कौन था? वित्तपाल जो था वो कहाँ का निवासी था? तो वित्तपाल जो था वो आपका था किसके, कहाँ का निवासी था? बंगाल का। कहाँ का निवासी था? बंगाल का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपसे कि गंध व्यू में कितने चित्र है। एक रचना बताई थी मैंने अभी आपको, गंध व्यू, कौन सी बताई थी? गंध व्यू जो है इसमें जो है कितने चित्र हैं? आंसर करेंगे गंध व्यू, गंध व्यू में जो है कितने चित्र हैं? तो इस जो रचना है ये गंध व्यू, इसमें 126 चित्र हैं। कितने चित्र हैं? 126 चित्र हैं। अगला है आपका, धर्मराजी का स्तूप किसने बनवाया था? कौन सा स्तूप है? धर्मराजी का। क्या है? धर्मराजी का स्तूप, इसका निर्माण किसने करवाया था? किस शासन काल में हुआ था इसका निर्माण? तो इसका निर्माण जो था पाल शासकों ने करवाया था। किसने करवाया था? पाल शासकों ने। अब है अगला कि पाल शासकों में से किस शासक ने जो है इसका निर्माण कराया था? तो पाल शासकों में से किस शासक ने जो था इसका निर्माण कराया था? तो वो कराया था महीपाल ने। किसने कराया था? महीपाल ने। ठीक है, अगला है, एक अगला है मुलंग धकुटी, मुलंग धकुटी स्तूप, इसका निर्माण किस ने कराया था? इस स्तूप का जो था निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण जो था, इसका निर्माण भी महीपाल ने कराया था। किसने कराया था? महीपाल ने कराया था। तो अगला क्वेश्चन है कि जो था आपका पाल शैली को किस वंश का संरक्षण प्राप्त था? तो किसका था? पाल शासकों का। किसका था? पाल शासकों का। फिर है, पाल शैली के किस राजा को धर्म रक्षक माना जाता है, यानी पाल शैली के कौन से राजा को धर्म रक्षक माना जाता है? तो किस राजा को माना जाता है? धर्मपाल को। कौन से राजा को माना जाता है? धर्मपाल राजा को माना जाता है। अगला है, पाल शैली के जो चित्र हैं, कौन सी शैली के, पाल शैली के चित्र विदेश में कहाँ पर मिले हैं? पाल शैली के चित्र विदेश में कहाँ पर मिले हैं? तो विदेश में कहाँ पर मिले हैं? लंदन में मिले हैं। किस में मिले हैं? लंदन में। अगला क्वेश्चन है कि लंदन के किस संग्रहालय में मिले हैं? पाल शैली के चित्र जो हैं लंदन के किस संग्रहालय में मिले हैं? तो ये जो हैं आपके मिले हैं किस में? बोस्टन संग्रहालय में। बोस्टन संग्रहालय में जो है इसके चित्र मिले हैं। ठीक है, तो इसी के साथ जो है आप लोगों की क्लास यहीं पर समाप्त होती है।
और आप सभी से अनुरोध है कि प्लीज जो है मेरी क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए। धन्यवाद।